दिल्ली पुलिस के द्वारा लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में जनसंपर्क वाहन समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के मेल एंड फीमेल बैंड ने खूब समा बांधा, जिसका वहां मौजूद लोगों ने खूब आनंद उठाया। दरअसल दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान लगातार दिल्ली भर में जनसंपर्क वाहन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है, जिसका समापन लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट से किया गया। इस दौरान लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के आसपास सुरक्षा इंतजाम दिखे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती दिखी। और पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके में एक मस्जिद के बाहर अवैध शराब का धंधा काफी दिनों से जोरों से चल रहा है, और इसी को लेकर मस्जिद के इमाम ने थाना गाजीपुर SHO को शराब कारोबारियों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन थाना गाजीपुर SHO ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद मस्जिद के इमाम और तमाम लोगों ने इस बारे में DCP ईस्ट दीपक यादव को कंप्लेंट की, जिसके बाद DCP दीपक यादव ने इमाम साहब को यह आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन होगा। मोहम्मद मंसूर, इमाम जामा मस्जिद गाजीपुर डेयरी फार्म, दिल्ली 96। यहाँ पर काफ़ी अरसा से मैं रह रहा हूँ। बकरा मंडी होने के नाते से वहाँ पर एक लेडी शराब बेचती है, जो कि मस्जिद की दीवार के बराबर में उन्होंने लगा रखा है संदूक, जिसमें कि रात बिरात में कभी भी शराब उसमें स्टॉक रखती है। और बाजू में मतलब एक 2-2.5 मीटर के बराबर में शराब बेचती है और दिनों रात गम मचा रहे हैं वहाँ शराब पी के। अभी परसों का एक वाक़ा है कि एक शराब पी के मेन दरवाजे पर 3:30 बजे के मेन दरवाजे मस्जिद के दरवाजे पर हंगामा के अलावा वहीं लेट गया। तो इसके अलावा हमने DCP साहब के एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने रेफर करके यहाँ पर भेजा है हमें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से सहयोग के हाथ बढ़ते जा रहे हैं, और उसी कड़ी में दिल्ली में भी हर वर्ग निधि समर्पण पर अपना सहयोग कर रहा है। आज महावीर एनक्लेव के शिव मंदिर में राम भक्त महिलाओं ने सुंदर कांड का पाठ किया। मंदिर बनने की खुशी में राम भजन पर आस्था में महिलाएं डूबती नजर आई, और इसी दौरान RSS जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। सुंदरकांड पाठ में मौजूद राम भक्त पिंकी शर्मा ने मंदिर निर्माण के लिए 51,000 का चेक दिया। पैसे की बात नहीं है, लेकिन प्रभु आराध्य राम हमारे सबके हैं, इसलिए घर घर से ये संकल्प जा रहा है, ये समर्पण निधि है, ये कोई दान नहीं है, कोई चंदा नहीं है। इसलिए पूरे भारतवर्ष से और जहाँ जहाँ हिंदू रहता है, चाहे वो झोंपड़ी में हो, जग्गी में हो, सबका समर्पण यहाँ अयोध्या में भगवान राम के लिए जा रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा अभियान पहले कभी नहीं आया, और आज ये सबसे बड़ा अभियान 5.25 लाख गांव तक पहुँचाने का ये संकल्प लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके हिंदुओं के संगठनों ने। तो इसी प्रकार ये अभियान चल रहा है, और पूरे समाज से चाहे 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1,000 रुपये हो, ऊपर देने वाले हों, सभी दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जो जो परिवार रह गए प्रभु राम के चरणों में अपने समर्पण निधि जरूर दें, जिससे एक अयोध्या में भव्य मंदिर बन सके और पूरे समस्त समाज का सहयोग उसमें हो सके। धन्यवाद। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण में अपना सहयोग करें और आएँ, हमारा हिंदू समाज पीछे नहीं रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग बच्चे बड़े सब लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। आज किस उपलक्ष्य में ये क्या प्रोग्राम था मैम? ये राम मंदिर निधि समर्पण के उपलक्ष्य में हम करवा रहे हैं, इससे लोगों में आपस में प्यार बढ़ेगा, सब एक साथ उठना बैठना, उससे ज़्यादा राम जी के बारे में सबको पता चलेगा। क्यों ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपको जो है राम भक्त बनना पड़ा और फिर आज सुंदरकांड और राम? नहीं, व्यवस्था नहीं करनी पड़ी, ये तो मैं हमेशा से करती हूँ। भक्त बनना नहीं पड़ा, भक्त सारे हैं और हमेशा हम लोग रहेंगे, हिंदू हैं तो हिंदू तो अपने भगवान को। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में दक्षिण पश्चिम जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस, एक मेड इन US पिस्तौल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संदीप मान के रूप में की गई है। आरोपी दिल्ली के किशनगढ़ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। डकैती और चोरी के कई मामलों में वो शामिल रहा है।
आपको बता दें कि संदीप ने हाल ही में अवैध हथियार के साथ शादी समारोह में भी हवाई फायरिंग की थी, जिसकी सूचना कांस्टेबल संदीप को मिली थी। सूचना के बाद से ही स्पेशल स्टाफ की टीम ने किशनगढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया है। और साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में रहने वाले रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर रंजीत शेट्टी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। घटना के बाद उन्हें तुरंत ही मूलचंद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डीसीपी अतुल ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि सुबह 7:25 पर पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार रंजीत शेट्टी काफी समय से बीमार थे और उनका बीएल कपूर हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा था, जहां से वो एक दिन पहले ही डिस्चार्ज होकर घर आए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर खुदकुशी की वजह जानने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में हैं। यहाँ पर जो आज सुबह जो डिफेंस कॉलोनी में D-132 जो फर्स्ट फ्लोर में रंजीत शेट्टी है मुंह में गोली फायरिंग करके जो है वहाँ पर गिर गए। इसी बीच पुलिस को कॉल मिली और डिफेंस कॉलोनी थाने के SHO जितेंद्र मलिक और सब इंस्पेक्टर प्रमोद जो है यहाँ पहुँचे। उनको जो रंजीत शेट्टी हैं उनको लेकर मूलचंद हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया। मगर जो रंजीत शेट्टी हैं, एक बेटा इनका श्रीलंका में रहता है, बेटी जो है सी ब्लॉक डिफेंस कॉलोनी में रहती है। मगर पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है पूरा छानबीन कर रही है। अभी फॉरेंसिक की टीम अंदर में है और दिल्ली पुलिस के ये लोग अंदर में हैं, पूरा जांच कर रहे हैं आखिर क्या मामला है। रंजीत शेट्टी जो है बीमार काफ़ी दिन से चल रहे थे और कल ही BL के कपूर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे। आज सुबह उन्होंने 7:15 पर अपने मुंह में गले के अंदर से गोली मार लिया था, जो सर के ऊपर से बाहर निकल गए थे। पुलिस जो है हर पहलू पर जाँच कर रही है। दिल्ली से शहनवाज खान, जनतंत्र टीवी। और दिल्ली स्पेशल में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।